हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में टू मेजर ग्रोथ यूजिंग ऑक्सेनोमीटर, हम कैसे आर्क ऑक्सेनोमीटर के माध्यम से वृद्धि मापी, हम पौधे की वृद्धि ग्रोथ को कैसे माप सकते हैं। तो ये ग्रोथ कर्व के लिए मैंने ग्रोथ के लिए ये बनाया हुआ है। तो ये इस मीटर को हम क्या कहते हैं, और ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर वृद्धि मापी होता है। वृद्धि मापी में हमने दो प्रकार के वृद्धि मापी आपके सिलेबस में है। एक होता है ऑर्क इंडिकेटर लीवर, जिसको लीवर हम कह सकते हैं, लीवर वृद्धि मापी भी कहा जाता है, ऑर्क ऑक्सेनोमीटर भी हम कह सकते हैं। दूसरा होता है फेफर्स का, फेफर वृद्धि मापी, फेफर वृद्धि मापी को हम पुली ऑक्सेनोमीटर भी कहते हैं, फेफर्स द्वारा दिया। लेकिन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कौन सा है आपका वृद्धि मापी के लिए, ये हमने यहाँ पर ऑर्क ऑक्सेनोमीटर लिया है। ऑर्क ऑक्सेनोमीटर के स्ट्रक्चर में इक्विपमेंट क्या यूज होते हैं, ये जो लोहे का एक प्रकार का आपका क्या होता है सूचक आता है, सूचक ये स्टैंड के माध्यम से हम सूचक पर इसको फिट कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ एक पुली होती है, पुली पर हम डोरी डोरी का यूज करते हैं, एक रस्सी भी बोल सकते हैं आप। यहाँ हम एक प्लांट, नेचुरल प्लांट होता है, प्लांट को हम लेते हैं, उसकी ग्रोथ किस प्रकार से वो ग्रोथ करता है, उसको कैसे हमें मापना चाहिए, कैसे इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर हमारा एक पैमाना लगा रहता है, स्केल कहते हैं सूचक, और ये सूचक की एक सुई के माध्यम से एक सूचक यहाँ पर लगा रहता है। ठीक, ये स्टैंड है, ये स्केल है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर से ये क्या होता है जब यहाँ पर मूव करता है, तो ये पॉइंटर है, ये मूव करने वाला होता है, जो आपको दिख रहा है ये पॉइंटर, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता रहता है, और जिसका कनेक्शन यहाँ एक पुली से रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये वेट लगा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जब इसका परिमाण हमें ज्ञात करना होता है, तब हम एक प्लांट लेते हैं, प्लांट की यहाँ पर पौधे के किसी भाग से, ऊपरी भाग से हम इसके तने से एक रस्सी को या डोरी को बांधते हुए यहाँ पर जो पुली लगी है पुली से लटकाती हुई दूसरी पुली के दूसरी साइड बांध कर आप चिपका कर यहाँ पर एक वेट को लटका देते हैं। ठीक है, वेट लगा देते हैं, वेट रख देते हैं, और जैसे जैसे पौधा में ग्रोथ होती है, पौधे ग्रोथ के साथ साथ जो पुली जो वेट है वो भी नीचे की ओर गिरावट लाएगा और पुली खिसती जाएगी, ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो और जब ग्रोथ बढ़ेगी वेट निकलेगा, वेट ऊपर नीचे होगा, जिससे जो ये इंडिकेटर है पॉइंटर है, पॉइंटर भी स्केल में, मान लीजिए सपोज पहले पॉइंटर इस स्थिति में था, या फिर मान लीजिए यही पॉइंटर इस स्थिति में है, और जब हम इस वेट को, जैसे प्लांट ग्रोथ करता जाएगा, क्योंकि प्लांट एकदम से आप जानते हैं कभी ग्रोथ नहीं करता, उसके लिए 20 या 25 घंटे हावर्स या फिर एक एक पूरा पूरा दिन 24 हावर्स से ज्यादा की समय भी लगता है थोड़ी भी ग्रोथ होना अगर पौधे की होगी तो। ठीक है, तो इस हम पॉइंटर पर नोट कर लेते हैं पहले का पैमाना, उसके बाद जितने अंतर में जितने समय में वो ग्रोथ करता है प्लांट, तो ये वेट यहाँ मूव करेगा, साथ साथ जो पॉइंटर है वो भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव कर जाएगा, जिसे हम ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों के पॉइंटर एंड्स के हम अंतर को हम उसका वृद्धि मापी के द्वारा हम इस पौधे की ग्रोथ को माप सकते हैं। इसी प्रकार से फेफर्स ने दिया, तो फेफर्स में उन्होंने एक काजल के ब्लैंक पे, हम कह सकते हैं एक कार्बन पेपर, ब्लैक कलर कार्बन पेपर यूज किया था, तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती थी तो वहां से कार्बन पेपर पर एक लाइन बढ़ती जाती थी। ठीक है, तो वो फेफर्स का है, लेकिन हम अभी ऑक्सेनोमीटर पढ़ रहे हैं, ऑर्क ऑक्सेनोमीटर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हम परिणाम कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज आपने पुली का परिणाम ज्ञात कर लिया, ठीक है, सपोज आपने पुली का परिणाम है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पुली के केंद्र से संकेतक, जो संकेतक है, संकेतक में कितनी तक लंबाई कितनी है इसकी, 50 सेमी है। ठीक, ये मैंने पूरा पैमाना आपको बता रहे हैं। और यदि संकेतक 20 घंटे में कितना हावर्स, 20 हावर्स में 5 सेंटीमीटर चलता है, कितना चलेगा 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो यदि संकेतक 20 घंटे में 5 सेंटीमीटर का अंतर से चलता है, तो दिखाई गई वृद्धि जो इसने वृद्धि की उसकी 10 गुना तो इजीली हो जाती है, 10 गुना तो वास्तविक वृद्धि हो जाती है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 5/10, क्योंकि इसकी हाफ थी 5 सेंटीमीटर, वो अंतर के चल रही थी और 10 गुना उसके जस्ट हो रही है, वो कह रहे वास्तविक वृद्धि। तो 5/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने निकाल लिया। तो 20 हावर्स के अकॉर्डिंग अगर जब हम इसको मिमी में निकालते हैं तो ये कितना निकलेगा, 2.5 मिमी। तो हम 2.5 मिमी से हम एक घंटे का अगर परिणाम निकालते हैं, एक घंटे की उसकी अंतर ग्रोथ निकालेंगे, तो एक घंटे में 2.5/20
ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 0.1 मिमी पर हावर्स, एक घंटे में वो 0.1 मिमी की ग्रोथ करता है, क्योंकि हम 20 हावर्स में निकाला, 20 हावर्स से वापस हमने 1 हावर्स का निकाल के आपको बता दिया। इस प्रकार से हम और ऑक्सीनोमीटर के माध्यम से मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को कि किस प्रकार प्लांट में ग्रोथ होती है, हावर्स के अकॉर्डिंग भी आप ग्रोथ को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से फेफर्स का भी ऑक्सीनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग क्लियर है? थैंक यू।